वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी बाइकर AKM एंड दिस इज आशुतोष, बाइकर ट्रैवलर एक्सप्लोरर। जा रहा हूँ फिर से आज एक इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम, आज उसका रिव्यू करेंगे। और इलेक्ट्रिक बाइक का ज़माना है तो सब लोग इलेक्ट्रिक बाइक में बहुत इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं आपसे शोरूम पे, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और वीडियो एंड होते होते लाइक कर देना और शेयर भी कर दो फ्रेंड्स के साथ। ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर राइड करके, ड्राइव करके अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सामने ये शोरूम कुमाके का आपको दिख रहा है, नीलमंगला में है। चलिए आज देखते हैं कुमाके की रेंजर। कुमाके इज जैपनीज ब्रांड और इसकी बैटरीज और कुछ पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और दिल्ली में कहीं असेंबल होता है। हमें मिलती है ये कुमाके की बाइक रेंजर, क्रूजर बाइक है ये। सामने से आप हेडलाइट्स देखो, फॉग लैंप्स, विंडशील्ड एंड हैंडल बार भी क्रूजर स्टाइल, एंड दिस इज द न्यू वर्जन। इसमें हमें TFT स्क्रीन मिलती है एंड टैंक पे डमी है, कुछ डुअल स्प्लिट सीट्स है, कंफर्टेबल लेदर लुक में, ब्राउन कलर में। पीछे की तरफ इंडिकेटर्स विद बजर, टेल लैम्प एंड सैडल बॉक्सेस। उसके नीचे हम देख सकते हैं डमी साइलेंसर्स विद लाइट, टैंक, देन बैटरी चैम्बर है नीचे उसके विद कुमाके बैजिंग, अलॉय व्हील्स हैं, टेलीस्कोपिक फॉक्स, एंड दिस इज द राइट प्रोफाइल, अगेन पैनियर्स एंड साइलेंसर्स, डमी साइलेंसर्स। दिस इज द बजर साउंड और पार्किंग लाइट्स, दिस इज फॉग लैम्प्स एंड दिस इज हेडलाइट, ऑल आर हेलोजन, हेलोजन बल्ब्स आर यूज्ड। और ये साइज एग्जैक्टली नहीं पता, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये हैंडल बार काफ़ी एवेंजर से मैच करता है, और भी क्रूजर बाइक्स में ऐसा ही हैंडल बार होता है। ऑयल चैम्बर फॉर रियर एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक दोनों तरफ है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है ऑयल चैम्बर, एंड दिस इज रियर व्यू मिरर। अब ये कितना इफेक्टिव है, कितना यूजफुल है, ये तो ड्राइव करने पता चलेगा। एंड कुछ बटन्स हैं यहाँ पे, और टैंक पे ये डमी लगाया हुआ है ऑयल कैप एंड ये डिस्प्ले के लिए, और कुमाके की बैजिंग है दोनों तरफ। टैंक पे जो डमी लगाया है जस्ट टू शो यू लाइक इट्स अ पेट्रोल बाइक। एंड ये बैटरी चैम्बर है बड़ा सा, ये रेंजर कुमाके के स्टिकर्स और लोगों के साथ आता है, और ऐसे डिज़ाइन ये दिया है यहाँ पे, टूल किट और बैटरी बॉक्स है, बाकी टिपिकल बाइक्स में होते हैं। हम यहाँ से बैटरी देख सकते हैं, बैटरी काफ़ी बड़ी है, उसका स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। एंड दिस इज डुअल स्प्लिट सीट्स, कंफर्टेबल, आगे की सीट ओपन हो जाती है फॉर सर्विस। एंड दिस इज द बैक रेस्ट, पीछे की तरफ टेल लैम्प, इंडिकेटर्स, हैलोजन, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लाइट्स, ग्रीन नंबर प्लेट, एंड दिस ब्रेक लाइट, अभी टेल लैम्प पे देखा आपने। और ये आयरन बार या रॉड जाती है, दिस इज सैडल स्टे फॉर बॉक्सेस के लिए है ये। बॉक्स की कैपेसिटी 25 लीटर्स है, तो 50 लीटर्स स्टोरेज आपको मिल जाएगा। सामने से कुछ ऐसा लुक आता है पैनियर्स के साथ। दिस कम्स विद बाइक नॉट एज अनेसेसरी, लॉक काफ़ी अच्छा है, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें ऐसा पैनियर्स चेंज किया है, और इसे खोल के आप ऐसे छोड़ सकते हो। और नीचे एक मैट मिल जाता है ताकि स्क्रूज से, जिससे जिस पे पैनियर्स फिट है उससे आपके सामान को स्क्रैचेस ना आए, और ऐसे क्लोज हो जाता है। काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, देखते हैं कितना सेफ रहता है आपका सामान। एंड दिस इज रॉड टू पैनियर्स को बचाने के लिए, इनके बाइक गिरती है तो। नाउ लेट्स कम टू फ्रंट टायर्स, तो आगे के टायर्स हमें मिलते हैं 100x70x17, जो कि 17 इंच के टायर हैं। रैल्को के टायर्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं ये, एंड इस पे एल शेप्ड वॉल मिलता है, टोटली अलॉय व्हील्स हैं, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर्स हैं ये विद कुमाके स्टिकर्स ब्रांडिंग ऑन दैट, और ये डिस्क ब्रेक कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ मिलता है। फैब्री या और कोई ब्रांड नहीं है, कुमाके का अपना ब्रांड है डिस्क ब्रेक का। फाइबर मडगार्ड, एंड दिस इज आयरन कवर किया हुआ है, एल्यूमिनियम एंड आयरन कॉम्बिनेशन में, रिफ्लेक्टर्स हैं,
और दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, दोनों तरफ ही होते हैं। एंड दिस इज लेग गार्ड, आपके पैरों को और बाइक को दोनों को सेफ रखेगा। यहाँ पे हॉर्न है एंड हेडलाइट्स की, ये पूरी बॉडी भी क्रोम फिनिश में है फाइबर की। ऊपर छोटा विंडशील्ड है, उसके ऊपर बड़ी विंडशील्ड लगाई हुई है जो कि पूरा बाइक को क्रूज लुक देती है। विथ और ये इंडिकेटर्स हैलोजन लैंप्स के साथ विथ क्रोम फिनिश फाइबर बॉडी। और यहाँ पे कोई वायर्स नहीं जाते हैं नॉर्मल बाइक्स की तरह। नाउ लेट्स कम टू रियर व्हील। तो यहाँ पे हमें स्विंग आर्म्स दिख रहे हैं नॉर्मल बाइक्स की तरह, बट पीछे के टायर्स में हमें BLDC 5000 वॉट का हब मोटर दिख रहा है। एंड देन अलॉय व्हील्स हैं, 17 इंचेस के टायर हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें एंड ये L-शेप का वॉल्व है। एंड ये जो रिम्स दिख रही हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, पीछे क्रोम फिनिश में बॉर्डर दिया हुआ है बट फ्रंट टायर्स में नहीं है ऐसा। इन द रियर व्हील हमें बटन टायर्स मिल जाते हैं राल्को के। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात है, ये हब मोटर है, BLDC हब मोटर 5000 वॉट्स का है। ये डायरेक्ट ही टायर में लगा रहता है पिछले व्हील्स में। इसमें बेल ड्राइव या चेन ड्राइव का कोई झंझट नहीं होता है। जो आप देख रहे हो ये डिज़ाइन दोनों तरफ था। ये मोटर है, ये डायरेक्टली मोटर व्हील्स पे है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। बेल ड्राइव या चेन ड्राइव होता तो वो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती, राइट, चेन से, तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती। यहाँ पे अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसलिए बैटरी ज़्यादा यूज हो जाती है। अब बात करते हैं फुटरेस्ट की। तो ये पिलियन का फुटरेस्ट है दोनों तरफ इस तरीके का। उम्मीद है हर पिलियन को कंफर्टेबल होगा। एंड दिस इज अ फुटरेस्ट फॉर राइडर। लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ही आरामदायक है ये, क्रूज ड्राइव, क्रूज बाइक्स में ऐसा होता है। और इसमें ना तो ब्रेक है ना तो गियर है, तो पैर आपको सिर्फ रखना है आराम से। एंड दिस इज द रियर शॉक एब्जॉर्बर जो एडजस्टेबल है। और ये 2003 वर्जन में काफ़ी इफेक्टिव है, स्मूथ होगा। पिछले वर्जन में काफ़ी कंप्लेन्स थी कि हार्ड है, बट इस वर्जन में उम्मीद है ये काफ़ी सॉफ्ट होगा और ये एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैकेनिक से आप कराएं ज़्यादा बेटर होगा। एंड दिस इज द साइड स्टैंड विथ कटआउट। जब ये ओपन रहेगा तो आप कितना भी एक्सेलेटर को घुमाओ बाइक आगे नहीं जाएगी। एंड स्टेयरिंग लॉक ऐसे है, स्टेयरिंग मोड के हम की से भी लॉक कर सकते हैं। की के अलावा इसमें रिमोट के ऑप्शंस हैं, ये रिमोट से ऑन ऑफ लॉक हो सकती है। तो इसमें चार बटन्स मिलते हैं, अनलॉक, लॉक, फाइंड द बाइक एंड ऑन करने के लिए, बाइक को ऑन करने के लिए। नेक्स्ट बटन इज अ लॉक, सो इफ यू लॉक दिस द व्हीकल मेक्स, सो नाउ इट इज लॉक्ड। इज एंटी थेफ्ट, सो एंटी थेफ्ट बटन, फाइंडर, राइट, या ओके, दिस बटन इज टू फाइंड, अनलॉक, डबल टैप, बाइक इज ऑन। और चाबी से भी बाइक को ऑन कर सकते हैं। तो की लगाया, घुमाया, बाइक ऑन। और ये फुली TFT है, टच स्क्रीन नहीं है। और इसमें आपका राइट साइड में जो आपको पैनल में डिस्प्ले में मोबाइल आपका आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोमाकी ऐप। यहाँ पे स्कैन करके बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हैंडल में ये दोनों तरफ ब्रेक्स मिलते हैं, ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये ब्रेक्स लीवर हो गए। और बटन्स देखें तो ये इंडिकेटर बटन हो गई, हाई बीम लो बीम लाइट्स के लिए हो गई, दिस इज हॉर्न बटन। और इसमें मोड बटन भी है, फोर्थ मोड है जो सबसे पावरफुल मोड है। वहीं राइट हैंड साइड में ये हजार्ड लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, देन क्रूज कंट्रोल बटन भी है। चलाते समय आप चलाइए और फिर इसको प्रेस कर दीजिए, उस स्पीड पे ये सेट हो जाएगा। एंड दीज आर द मोड्स 1, 2, 3। और ये लाइट्स के लिए है, सबसे पहले ऑफ रहता है, देन फॉग लैम्प्स, देन हेडलाइट ऑन। एंड दिस इज द रिवर्स बटन। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है हेडलाइट विद फॉग लैम्प्स ऑन हाई बीम। और ये बटन्स है कुछ, ये पावर ऑन बटन है, MP3053 इसका ब्लूटूथ नेम है। एंड उसके नीचे ये स्लॉट है विथ मोबाइल चार्जिंग और USB पोर्ट और पेन ड्राइव लगा सकते हैं। उसके ऊपर है मेमोरी कार्ड। प्रेस दिस बटन सो द साउंड विल बी स्टार्ट, बाइक साउंड, बाइक साउंड इज स्टार्टेड। सो एंड हियर दिस साइड विथ लाइट्स
ये स्पीकर्स आ गया। So this is the horn button. Okay. And another one sound is. Okay. Okay. How much it is charge, discharge? Balance. And this is the voltage. Okay. Voltage and cells voltage and cells wire resistance. Okay. Okay. So it will show on this remaining battery percentage, 98%. Okay. तो वो था ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप सब कुछ मोबाइल में ऐप पे देख सकते हैं बैटरी का स्टेटस। एंड दिस इज द बैटरी चार्जर 16 एम्पीयर्स बैटरी चार्जर विद 2 मीटर्स वायर प्लस 2 मीटर्स टोटल 4 मीटर्स के वायर हैं इसमें दोनों तरफ 2-2 मीटर्स के। एंड दिस इज द फैन एंड दिस इज द बटन इन केस ऑफ डीप डिस्चार्ज बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो जाए तो आप इसे 10 सेकंड्स तक प्रेस करो और फिर उसके बाद आपकी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी चार्ज होने में 0-4 आवर्स लगते हैं 90% बैटरी चार्ज होने में। एंड दिस इज़ DPLI 850 वॉट चार्जर। पीछे की तरफ हमने नोटिस किया कि हिंदी में लिखा था, इट्स बिकॉज ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, असेंबल होता है ये चार्जर, पूरी बाइक असेंबल होती है इंडिया में इसलिए। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 2 kg चार्जर, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, मजबूत है। अब फाइनली बात आती है बाइक की माइलेज की, तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें माइलेज नहीं, कितने किलोमीटर्स जाती है ये, तो ये जाती है 180-220 किलोमीटर्स इन एट द स्पीड ऑफ 70-80 किलोमीटर्स पर आवर फुल चार्ज होने पे। इसमें सिर्फ एक वेरिएंट आता है जेट ब्लैक कलर और उसका एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस है 1,85,505। ये मैंने पॉइंट आउट किया, बहुत सी चीज़ें एवेंजर से मैचिंग है और वी क्रूज बाइक से मैचिंग है एंड ये पीछे रिफ्लेक्टर तो ऐसे ही थी, बट बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है। ये है कुमाकी की रेंजर। एंड फाइनली थैंक्स टू YRT मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम फ्रॉम कुमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन। एंड ये सारे स्कूटर्स हैं फ्रॉम कुमाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर और ये कुमाकी का अलग से बैनर जिसमें तमाम फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि मोबाइल चार्ज, रिवर्स असिस्ट, ब्लूटूथ स्पीकर्स और इधर भी और भी कुछ स्कूटर्स हैं फ्रॉम कुमाकी इन YRT मोटर्स। कुछ स्कूटर्स हमें दिख रहे हैं जैसे ये डिलीवरी गाइज यूज़ करते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स यूज़ करते हैं तमाम। और एक स्कूटर ये है जैसे ये कुमाकी का है और एक ही स्कूटर है कुमाकी से, तो ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक है। सामने से रेड, ऑरेंज, डार्क रेड और ये ग्रीन कलर में कुछ स्कूटर्स। And finally, thanks to Chetan from YRT Motors